जो 5 दिन पहले भारत में बजट लाया गया, केंद्रीय बजट, उसके कई रूप रहे। ग्रामीण भारत के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना लाई गया। कोरोना काल में लोग कहते थे कि भारत की आर्थिक गति 20 लाख करोड़ का पैकेज ला करके, जिसका प्रतिफल अब मुझे दिखने को मिल रहा है, जीएसटी 140 लाख हो गया, जो वृद्धि दर है 9.2 के दर से अनुमानित किया गया है, और एक जो विदेशी रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं, जब हम 2013-14 में आए थे तो केवल 295 बिलियन था, जो अभी बढ़कर के 634.2 बिलियन डॉलर हो गया। उससे जुड़ेंगे, रेल कितना होगा उसका भी उसमें लेखा जोखा दिया हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। मोदी जब भी सोचते हैं दूरगामी सोचते हैं। मैं जिस विभाग से जुड़ा हूं, इस विभाग में एक विभाग है लैंड रिसोर्स। देश में 141 मिलियन हेक्टर में खेती होती, सिंचित और असिंचित, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आगाह किया है कि 2050 में हमारी आबादी इतनी बढ़ेगी कि वो को एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, क्योंकि हम कैटल फीड में भी अन्न देते, फिश फीड में देते, पोल्ट्री फीड में देते, अब तो एक एथनॉल का भी, एथनॉल को हमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो बिहार में 1700 था 1700 लीटर का, वो 3400 लीटर दिया गया है किसानों के हित के लिए। मुझे लगा कि अब प्रेस के मित्रों को तो बुला लिया, प्रेस करूं कि ना करूं, क्या करूं, तब हमने निर्णय लिया कि जो मुझे कहना है वो लोगों के बीच में वितरित कर देता हूं, और मैं अपने विभाग के विषय में ही आज मैं विशेष रूप से रखने वाला, तो उसके ऊपर मैं कुछ रख देता हूं, और बहुत वार्ता नहीं कर पाऊंगा। जब मोदी जी 2014 में आए तो केवल 2,35,00,000 महिलाएं थी केवल, और 80,000 करोड़ केवल बैंक लिंकेज था, और एनपीए था उस समय 9.58, और मोदी जी के कार्य में 13,336 करोड़ का अभी बजट दिया गया है, और अभी 8 करोड़ से अधिक परिवारों तक हम पहुंच पाए हैं। केवल परिवारों तक नहीं पहुंचे हैं, 80,000 के तुलना में 2,35,00,000 के तुलना में 8,10,00,000 हो गया, और 80,000 जो बैंक लिंकेज था वो आज 4,50,000 करोड़ हो गया, और जो एनपीए 9.58 था वो घट करके 2.8 पड़ा गया। दिल्ली के साउथ एवेन्यू और नॉर्थ जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के विकास को देश का विकास नहीं कहा जाता है। देश का विकास राज्यों के विकास के साथ, आज किसी राज्य के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आरा की धरती से
बिहार के विकास के बगैर देश का विकास असंभव और पूर्वांचल के विकास का गेटवे बिहार को माना था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, नाले हो, एनटीपीसी हो, फर्टिलाइजर हो, ये क्या है? आज अगर मैं जो बताऊं तो केवल मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मोदी ने 50,000 करोड़ से, श्री बाबू को कहा जाता है हमारे यहाँ एक कर्मवीर पुरुष बेगूसराय की धरती पर, उन्होंने इस बार भी दिया है, पुल बनाया, पुल खराब हो रहा था, मोदी ने बगल में एक रेल पुल और एक 6-लेन रोड पुल दिया, NH को 4-लेन किया। क्या ये बिहार का कि बेगूसराय का विकास है? बिहार का विकास है। फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, 8,000 लगभग 7,000 से ऊपर करोड़ लगा करके बन रहा है, बिहार के विकास में योगदान देगा कि नहीं देगा? आज रिफाइनरी 4 मिलियन पर आ गया था, और पेट्रोकेमिकल्स की बात लोग करते रहे कांग्रेस 84 से, नहीं, आज कम से कम 20,000 करोड़, कोरोना काल में 18,000 करोड़ सैंक्शन करके 20,000 9 मिलियन टन पे जाएगा, और फिर वहाँ पेट्रोकेमिकल्स होगा। क्या ये बिहार के विकास में नहीं जुटेगा? ओल्ड एज पेंशन, वीडो पेंशन, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का हमने रखा है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में इस बजट में मुझे 550 करोड़ मिला है। ये ग्रामीण और शहरी के बीच का होगा, जो समतल क्षेत्र हैं वहाँ 15,000 से 25,000 की आबादी होगी, और जो पहाड़ी होंगे वो 5 से 15 होगा, और इसमें 30% राशि सरकार हम देते हैं और कन्वर्जन कराते हैं, बिहार को भी हमने दिया है। मनरेगा, जो मनरेगा आज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट का लाइफ लाइन बन चुका है, चाहे बिहार हो या देश का कोई भाग, जब हम शासन में आए थे दिल्ली में तो मात्र 33,000 करोड़ था बजट, आज 73,000 करोड़ बजट है, लेकिन हम 2021 में भी 1,13,000 गए और 21-22 में भी गए, और आज 21-22 में अभी तक हम 1,00,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। उम्मीद है कि मार्च आते आते हम 1,00,000 करोड़, क्योंकि ये डिमांड बेस है। हम वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार हम देश को देते तो वो मेरा 2,92,000 करोड़ है, और बिहार को 24,000 करोड़, जो 20 से 24 तक उनको मिलना है। उसी तरह स्वामित्व है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के अंदर जो गांव में बसावट है उनको राज्यों के साथ मिलकर के ड्रोन से उनका मैपिंग करके डिम्ड रजिस्टर्ड उनको सर्टिफिकेट देना घर का, जिससे शहर के मकान पर तो बैंक ऋण देता लेकिन गांव के मकान पर ऋण नहीं देता। लेकिन जिन राज्यों में अभी हम शुरुआत किए हैं, लगभग 1,00,000 से ऊपर गांवों का हम ड्रोन सर्वेक्षण कर चुके हैं, और 32,000 घरों का कार्ड राज्य सरकार के साथ मिलके दे चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय को अन्य कामों के लिए, ग्राम स्वराज अभियान के लिए 868.57 करोड़ दिया गया है।